तो भैया राजस्थान शब्द सुनकर दिमाग में एक छवि उभरती है। रेगिस्तान, ऊंट, पारंपरिक परिधान, किले, हवेलियां और खाना। खाना बोले तो सबसे पहले जहन में दाल बाटी चूरमा ही आता है। ये राजस्थानी डिश उत्तर भारत में लोगों द्वारा खासी पसंद की जाती है। इस देशी डिश का देसी स्वाद दिलो दिमाग में घुल जाता है। जैसा इसका स्वाद है वैसा ही है इसका इतिहास। इसके शुरू होने की कहानी बेहद दिलचस्प है। सैनिकों से शुरू होते हुए मुगल दरबार में इसकी चर्चा की कहानी जानकर आप गदगद हो जाएंगे। तेरह सौ साल पहले भूखे सैनिकों का सहारा थी दाल बाटी। अपने आप में एक भरपूर खाना है दाल बाटी चूरमा। इसका जिक्र तो ट्रेवलर इब्ने बतूता की बुक्स में भी मिल जाता है। ट्रेवलर इब्ने बतूता ने इस डिश का जिक्र कुछ ऐसे किया है कि सूरज की रोशनी में पके गेहूं में बनी बाटी। इस समय गेहूं, ज्वार, बाजरा और बाकी के अनाज आम और भोजन का हिस्सा थे। अब जान लेते हैं कि बाटी अस्तित्व में आखिर कैसे आई। तो बाटी बिना नमक डाले गेहूं से बनती है, जिसमें घी और ऊंट के दूध का इस्तेमाल होता है। इसका जिक्र सबसे पहले राजस्थान में मेवाड़ साम्राज्य के संस्थापक बप्पा रावल के समय में मिलता है। ये बात दरअसल 1300 साल पहले यानी 8वीं शताब्दी की है। अपना साम्राज्य स्थापित करने से पहले वो एक चरवाहा योद्धा जनजाति थे। उन्हें मान मोरी से चित्तौड़ दहेज के रूप में मिला था। बाटी गुहालियों का ऑफिशियल युद्ध के समय खाया जाने वाला खाना था। कहा जाता है कि भूखे सैनिक आटे के टुकड़े बनाकर गर्म रेत में दबा देते थे। जब वो वापस आते थे तब तक वह गर्म रेत में अच्छी तरह से भुन जाती थी। इसके बाद उसमें वो घी डालकर चाव से खाते थे। अच्छा दिन होता था तो दही और छाछ से भी वो काम चला लेते थे। अब जरा जान लीजिए कि बाटी से दाल कैसे जुड़ी। धीरे धीरे इस डिश में चूरमा और पंचमेल दाल भी जुड़ गई। पुरातत्व का मानना है कि अभी भी जमीनी स्तर पर लोग बाटी को घी, छाछ और बकरी या ऊंट के दूध से बने दही से ही खाते हैं, जबकि ऊंचे और संपन्न जाति वाले लोग इसके साथ दाल का इस्तेमाल करते हैं। बाटी के साथ दाल के कॉम्बिनेशन की कई कहानियां हैं। जैसे मेवाड़ में व्यापारियों के अक्सर बसने से इसकी शुरुआत हुई और गुप्तकाल में पंचमेल दाल का शाही खाने के रूप में शामिल किया जाना। गलती से बाटी में गिरा गन्ने का रस और बन गया चूरमा। दाल की बात तो कर ली, अब चूरमा का जिक्र तो बनता ही है। इसके पीछे भी हाउस ऑफ मेवाड़ और गोहिला साम्राज्य ही है। प्रचलित कहानियों के मुताबिक एक युद्ध के दौरान एक बावर्ची ने गलती से गन्ने के रस को बाटी में डाल दिया था। इसके बाद चूरमा ईजाद हुआ। जबकि एक कहानी के अनुसार गृहिणियां बाटी को गुड़ या चीनी के पानी में डाल देती थीं ताकि उनके पति जब खाने पर आए तो ये नरम और ताजा रहे। इस तरह मेवाड़ से निकला सुपर टेस्टी खाना दाल बाटी चूरमा। समय के साथ साथ अलग अलग जगहों पर इसे अलग नाम और अलग फ्लेवर दिया गया। इसमें कढ़ी और साग भी बाद में जोड़ दिए गए। रानी जोधाबाई संग पहुंचा था मुगलों के बीच। इस डिश के मुगल दरबार तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग है। माना जाता है कि रानी जोधाबाई के जरिए यह डिश मुगल दरबार तक पहुंची थी। मुगल साम्राज्य के शाही शेफों ने इसे नए तरीके से बनाना शुरू किया और नया नाम दिया दाल बफाला और खींच। इस तरह दाल बाटी चूरमा राजस्थान से लेकर मुगल साम्राज्य तक जा पहुंचा। बाटी और बफाले में एक ही फर्क है, बाटी कंडे यानी अवन पे सेकी जाती है और बफाले उबाल कर कंडों पे सेके जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।